أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो कायनात का खालिक व मालिक, कायनात का रब, कायनात का दाता व दस्तगीर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इससे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ हमेशा से दीन इस्लाम ही चला आ रहा है। और अल्लाह फरमाते हैं फइन हाजूका, और अगर ये आपसे झगड़े हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फकुल अस्लम तो वजही अलिल्लाह, तो आप फरमा दें कि मैं तो अपना अपने रब के सामने सरे तस्लीम खम कर चुका, मैं तो अपने परवरदिगार का फरमा बरदार हो चुका। व मन तबाअनी व कुल्लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मीयीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए कि मेरे जो साथी हैं वो भी अल्लाह के फरमा बरदार हो चुके। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा तअबुदून, फरमा दीजिए कि मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। फरमाया वकुल लिल्लज़ीन ऊतुल किताब वल उम्मीयीन, और इन लोगों से जिनको किताब दे गई यानी उन्हें तौरात दी गई, ज़बूर इंजील दी गई, उनसे और उम्मीयीन से और जो अनपढ़ लोग हैं उनसे कह दीजिए कि असलम तुम, कि क्या तुम भी अपना सर तस्लीम सम करते हो अपने मालिक के कायनात के आगे जिसने तुम्हें पैदा किया, या अगर तो वो कबूल कर लेते हैं फइन असलमु फकद इहतदौ, अगर वो ये बात कबूल कर लें तो वो हिदायत याफ्ता हो गए, वो कामयाब हो गए। व इन तवल्लौ, और अगर वो पीठ फेर लें, अगर वो मुंह मोड़ लें हिदायत के रास्ते से आयात के वाजे हो जाने के बाद, अल्लाह की निशानियों को देखने के बाद अगर ये फिर जाते हैं, फइन्नमा अलैकल बलाग, तो आपके जिम्मे है साफ साफ पहुंचा देना, आप इससे ज्यादा के जिम्मेदार नहीं है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे जहन्नमियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जिम्मे क्या है? फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, आप नसीहत करें कि आप नसीहत करने वाले हैं। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिरिन इल्ला मन तवल्ला व कफर, आपके जिम्मे ये नहीं है कि आप इनके ऊपर कोई दारोगा बनाकर भेजेंगे। सूरह यासीन में भी अंबिया क्या कहते हैं? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारे जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है। उसके बाद अल्लाह का मामला और बंदे का मामला है। इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरुं व इम्मा कफूरा, हमने बंदे को दोनों रास्ते दिखा दिए, अब चाहे तो वो हिदायत का रास्ता पाले और चाहे तो वो कुफ्र करने लगे। अल्लाह आगे फरमा रहे हैं वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। इससे मुराद ये है कि अल्लाह फरमाता है कि बंदे ये ना समझ बैठे कि हमें कोई जानता नहीं है, हमारे करतूतों से वाकिफ नहीं है। अल्लाह ताला यहाँ बतौर धमकी फरमा रहे हैं कि वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, कौन है जो हक के आ जाने के बाद उससे मुंह मोड़ता है, अल्लाह उसको भी देख रहा है, और कौन है जो जब उसके सामने अल्लाह की आयात आ जाती हैं तो वो कहता है समिअना व अतअना, यानी मैंने सुन लिया और मैं इताअत के लिए राजी हूं। फरमाया इन्नल्लज़ीन यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक्तुलूनन्नबियीन बिगैरि हक, अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जिन्होंने हमारी आयात का इनकार किया,
इन्नल्लज़ीन यकफुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह की निशानियों का, आयात से मुराद एक तो कुरान मजीद है, कुरान मजीद की आयात है, और दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन की वाज़ह निशानियां, यानी आसमान से पानी का बरसना बादलों से, और जमीन मुर्दा जमीन से जो है पौधों का नबातात का पैदा होना, और फिर इस तरह से अंडे से चूजे का पैदा होना, और इस तरह से दुनिया के अंदर सारे इतने छोटे से बीज से इतने बड़े दरख्त का बन जाना, और साफ पानी अल्लाह ताला जिस तरह से मुहैया करता है, इन सब चीज़ों में अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह की आयात हैं, और एक अल्लाह की आयात के मुहकमात जो हैं वो कुरान मजीद हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो भी हमारी आयात का इनकार करेगा, आयात से मुराद वो किताबें भी हैं जो कुरान मजीद से पहले थी, यानी इस्लाम, दीन इस्लाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरीयत नाजिल हुई उससे पहले, तो वो भी आयात मुहकमात थी, यानी जो ईसा अलैहि सलाम के ऊपर जो किताब इंजील नाजिल हुई उस वक़्त वो इस्लाम ही था। तो जो उनके इनकार करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, और वो नाहक नबियों को कत्ल करते हैं, यानी वो नबी तो ये चाहते हैं कि ये लोग जहन्नम से बच जाएं, और ये लोग इतना जालिम होते हैं कि ये अंबिया अलैहिस्सलाम को ही कत्ल करने के दरपे हो जाते हैं, हालांकि अंबिया उनको कोई गलत बात नहीं बता रहे होते, बल्कि वो तो उनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करते हैं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का वाकया सूरह नूह के अंदर मौजूद है कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वइन्नी कुल्लमा दऊतुहुम लितगफिर लहुम जालू असाबिहुम फी आज़ानिहिम मिनस, फरमाया कि वइन्नी कुल्लमा दऊतुहुम, कि मैं तो इनको दावत देता हूँ लितगफिर लहुम, कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, जालू असाबिहुम फी आज़ानिहिम वस्तगशौ सियाबहुम, वो अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं, यानी जो नबी होता है वो उनको हिदायत की बात बता रहा होता है और ये उनको कत्ल करते हैं। ये यहूदियों के बारे में मशहूर है कि बनी इसराइल के अंदर कई अंबिया को एक ही दिन में और कई उलमा को जो कि हक वो उलमा थे उनको कत्ल कर दिया गया, तो इस वजह से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फरमाया इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि वयक्तुलूना नबियीना बिगैरि हक्किन वयक्तुलूना अल्लज़ीना यअमुरूना बिल्क़िस्ति मिनन्नास फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, फरमाया जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते और अम्बिया को नहक कत्ल करते हैं और जो इंसाफ का हुक्म देते हैं, यानी जो उलमा हैं जो सही माने में जो है अल्लाह की तौहीद को बयान करते हैं, मिनन नासिफ बशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उनको खुशखबरी सुना दो दर्दनाक अज़ाब, यानी जो इतना जुल्म करते हैं कि वो अंबिया को कत्ल कर देते हैं, तो फिर उनको अजाब की वईद ना सुनाओ, उनको खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी से मुराद ये है कि अल्लाह ताला उनके लिए तैयार बैठा है कि इनको दर्दनाक अजाब दे और फिर इनको उस अजाब का मजा चखाएगा। उलाइकल लदीना हाबितत आमालुहुम फिद्दुनिया वल आखिरा वमा लहुम मिन नासिरीन, फरमाया इनके आमाल गारत हो गए। उलाइकल लदीना हाबितत आमालुहुम फिद्दुनिया, दुनिया में भी तबाह हो गए वल आखिरा, और आखिरत में भी वमा लहुम मिन नासिरीन, और ये कोई मददगार नहीं पाएंगे और इनका कोई मददगार नहीं है, वमा लहुम मिन नासिरीन और इनका कोई मददगार नहीं है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम तरा इलल लदीन ऊतू नसीबम मिनल किताब यदउना इला किताबिल्लाह लियहकुम बैनहुम सुम यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुरिदून, भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब खुदा यानी तौरात और इंजील भी साथ में आ जाती है कि उनको दी गई, और वो क्या है उनको उससे बहरे कर दिए गए। उसकी वजह क्या है कि जब उनको बुलाया जाता है युदाउना इला किताबिल्लाह,
जब उनको अल्लाह की किताब की तरफ से बुलाया जाए, लिया कुमा बई ना हूं कि तुम्हें उससे तुम्हारे दरमियान फैसले कर दिए जाए, सुम्मयतवल्ला फरीकुम मिनहुम, तो उनमें से एक फरीक तो मुंह फेर लेता है, वह मुकरिजून, और वो मुंह फेर लेने वाले हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये यहूद और नसारा का भी यही हाल है, और आज बदकिस्मती से हमारे मुसलमानों का भी यही हाल हो गया है कि हम जब भी हमारे सामने कुरान मजीद की आयात पढ़ी जाती हैं, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पढ़े जाते हैं, तो उनसे हटकर हम जो है अपने उलमा की पैरवी करते हैं या अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग जाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं ये अहले किताब का भी यही तरीका था कि जब उनसे कहा जाता कि तुम्हें तुम्हारी किताब में से, यानी अल्लाह की किताब में से तुम्हारे लिए फैसला कर दें, जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां वाज़े तौर पर तौरात के अंदर मौजूद हैं, इंजील के अंदर मौजूद हैं, बेशक वो टेम्पर्ड फॉर्म में है, अभी सही मौजूद नहीं है अपने असल फॉर्म में, लेकिन फिर भी मौजूद थी निशानियां। और अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में फरमाया कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटों की तरह जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इनकार ही किया। तो अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामन मअ'दूदातिन वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। अल्लाह फरमाते हैं ये इसलिए ये मुंह फेर लेते हैं इससे कि इनका ये अकीदा है कि हम सबसे बेहतर हैं और हमें आग नहीं छुएगी। ये यहूदी अक्सर ये कहा करते हैं कि हमें आग नहीं छुएगी, लन तमस्सना नारो इल्ला अय्याम मअ'दूदात, वो कहते हैं कि हमें आग नहीं छुएगी मगर चंद गिनती के दिन। वह गर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, और ये अपने दीन के बारे में बहतान बांधते हैं, और उन्होंने इनके इस दीन ने, यानी इनके इस अकीदे ने जो इन्होंने बना रखा है कि हमें तो आग छुएगी नहीं। आज हमारे मुसलमानों का भी यही अकीदा है कि हम आज बदतरीन हालात में हैं। इसकी वजह यह है कि हम कहते हैं कि हम चोरी करें तब भी हमसे कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम जो है डकैती करें, हम गरीबों पर जुल्म करें, हम जो है यतीमों का माल खाएं, हम जो कुछ करें, हमसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर ऐसा है तो कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लेकर आए। ऐसी तो कोई दलील नहीं है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करनी है तो उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करना है। मा आताकुम रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम्हें दे दे उसे ले लो, और जिस चीज से तुम्हें रोक दे उससे रोक जाओ। तो ये जो यहूदी थी ये भी यही करते थे कि हमें जो है आग नहीं छुएगी चाहे हम जो मर्जी कर लें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इनको इनके दीन ने धोखे में डाल दिया, इन जो इन्होंने अकीदा बना रखा है इसने इनको धोखे में डाल दिया, अल्लाह ताला ने तो इनसे कोई ऐसा वादा नहीं किया। फकैफा इज़ा जमअनाहुम लियौमिल ला रैब फीही वुफियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, तो उस वक़्त क्या हाल होगा जब हम उनको जमा करेंगे, यानी उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं, और हर नफ्स अपने आमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये शायद समझ बैठते हैं कि हम इनको उनके ऊपर दस्तरस नहीं रखते, तो अल्लाह फरमाते हैं कि कैसा होगा वो हाल उनका जब हम इनको इकट्ठा करेंगे ऐसे दिन में जिसके आने में कोई शक शुबा नहीं, यानी यौमिद्दीन कयामत का दिन है। वुफियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, और उस दिन उनको बदला दिया जाएगा हर शख्स को जो कुछ उसने कमाया, वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इनको इकट्ठा करेंगे और इन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। क्यों? फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, क्योंकि कहो कि अल्लाह मालिकल मुल्क है। ये अल्लाह की बड़ाई भी है और एक दुआ भी है कि ए खुदा, एक दुआ दुआ या कलिमात भी है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क,
कि अल्लाह ही बादशाही के मालिक और जिसको चाहे तो तिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहे मुल्क अता कर दे, यानी दुनिया के अंदर बादशाही अता कर दे। कुल अल्लाहुम्मा मालिक अल्मुल्क तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल्मुल्क, वही तो है जिसके हाथ में है सारी बादशाही। फरमाया तो तिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे भी चाहे वो बादशाही छीन ले, जिसे चाहे बादशाह बना दे और जिसे चाहे उससे बादशाही छीन ले। व तो इज्जु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, वो जिसे चाहे इज्जत अता कर दे और जिसे चाहे उसके अपने गुनाहों के सबब उसे जलील कर दे। बियदिकल खैर, उसके हाथ में है भलाई। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ही हर चीज पर कादिर, वही तो है जो हर चीज पर कादिर है, वही बादशाह है, वही मुश्किलें दूर करने वाला मुश्किल कुशा है, और उसी के हाथ में सारी कायनात की बादशाही है, वही सारा निजाम नस्क चला रहा है इस दुनिया का, और सारे अख्तियार उसी के पास हैं। वो चाहे जिसको इज्जत अता फरमा दे और जिसको चाहे अल्लाह जलील कर दे उसके गुनाहों के सबब, क्योंकि अल्लाह किसी को ऐसे जलील नहीं करता। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, अल्लाह तो गुमराह करता है मगर फासिक लोगों से। तो अल्लाह फरमाते हैं उसी के हाथ में भलाई है और वो हर चीज पर कादिर है, और वही तो है ये सारा पूरे जाहो जलाल के साथ कायनात के मालिक की का तारुफ किया जा रहा है। क्योंकि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि सूरत आल इमरान में ज्यादातर मुखातिबीन जो हैं यहाँ पर ईसाई हैं, और यहाँ पर इजमालन जिक्र यहूदियों का भी है। तो यहाँ पर चूंकि वो ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, तो अल्लाह ताला उनका रद्द किए जा रहे हैं कि वही तो अल्लाह है जिसके हाथ में सारी बादशाही है, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील कर देता है, जिसको चाहता है नबी बना देता है। और फरमाया वही तो है तुलिजुल लैल फिल नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ। अल्लाह फरमाते हैं वही तो है तो जो लैल फि नहार, जो रात को दिन में दाखिल करता है, व तुलिजु नहार फि लैल, और दिन को रात में दाखिल करता है, व तुखरिजु الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, और वो जिंदा को निकालता है मुर्दा में से, वह तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और मुर्दा को निकालता है जिंदा में से, यानी मुर्दा जैसे मुर्दा जमीन है उसमें से अल्लाह ताला जिंदा जो है चीजें नबातात को उगा देता है। तो इसी तरह से अगर आप अंडे को देख लें तो वो एक मुर्दा चीज है, मतलब अंडा बेजान है, उसमें से अल्लाह ताला जानदार को निकाल देता है। तो इंसान की पैदाइश भी इसी की एक मिसाल है कि अल्लाह ताला इंसान को नुतफे से पैदा करता है, और फिर इस बेजान नुतफे से अल्लाह ताला उसके अंदर जिंदगी डालता है, और फिर अल्लाह ताला इंसान को पैदा करता है। तो फरमाया ये मालिक कायनात है की सिफात हैं जो उसके अलावा किसी के अंदर नहीं है। وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب, رزق بھی اسی کے ذمہ ہے, وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اللہ رزق عطا کر دیتا ہے۔ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, اللہ جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کی آزمائش ہے, ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ فَرْمَايَا لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤمنوں کو چاہیے کہ وہ مؤمنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ رکھیں, یعنی جو اللہ کے دشمن ہیں, کافر سے مراد منکر لوگ, انکار کرنے والے لوگ جو اللہ کے منکر ہیں,
जो अल्लाह के दुश्मन हैं उनसे एक मोमिन दिली मोहब्बत नहीं रख सकता। औलिया वली की जमा है, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह मोमिनों का दोस्त है, दोस्त से मुराद दिली महबूब है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई मोमिन किसी काफिर को दोस्त ना बनाए अपना, मिन दूनिल मोमिनीन, मोमिनों को छोड़कर। वमन यफअल ज़ालिका, और जो कोई ऐसा करेगा, फलैस मिनल्लाह फी शै, तो उसका अल्लाह के यहाँ उसके पास कुछ नहीं है, यानी अल्लाह के पास उसके लिए कुछ नहीं है। फी शैइन इल्ला अन तत्तकु मिनहुम तुकातुम वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, या ऐसा हो कि वो किसी शर से बचने के लिए ऐसी सूरत पैदा कर दे, यानी अगर वो कुफार के इलाके में रहता है और फिर उसे अपने जान का डर रहता है और वो ज़ाहिरन जो है वो उनके साथ दोस्ती कर लेता है लेकिन अंदर से उनकी चाहत ख़त्म होती है, तो अल्लाह फरमाते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अल्लाह ताला ये सब इसलिए बताना चाहते हैं, जैसे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में कहा था ना, जब कैदी होकर आए थे तो हज़रत उमर ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इन कैदियों के बारे में हज़रत उमर से मशवरा लिया गया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने फिदिये का कहा था, तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हर किसी को उसके अपने रिश्तेदार के हवाले किया जाए ताकि वो उसको कत्ल करे। यानी हम अल्लाह को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी मोहब्बत अल्लाह के लिए, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग्ज़ु लिल्लाह, कि हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए है और हमारा बुग्ज़ भी अल्लाह के लिए है, और खुदा तुमको अपने गज़ब से डराता है। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें डराता है अपने आप से, यानी यहाँ पर तुम चाहे उनसे डर के या उनके खौफ से तुम सारा इजहार करते फिरो, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं असल हकदार तो इस बात का कि उसे डरा जाए वो अल्लाह है, क्योंकि वो हर चीज़ का मालिक है और वो तुम्हें सख्त अजाब देने पर कादिर है, और अगर ये काफिर तुम्हारा बुरा चाहे तो अल्लाह तुम्हें बचाने पर भी कादिर है। और फरमाया वइलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। यहाँ ये बात याद रखिएगा कि कुफार के साथ तिजारत के अंदर कोई हर्ज नहीं है, तिजारत की जा सकती है उनके साथ, दुनियावी मामलात, अच्छा बर्ताव भी करना ये भी जो है खिलाफ नहीं है इस्लाम के, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं दिली महबूब, दिली दोस्त जो हैं वो मोमिनों को रखें, चूँकि वो अल्लाह के दोस्त हैं। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम, अल्लाह फरमाते हैं फरमा दीजिए कि जो कुछ तुम छुपाते हो अपने सीनों में, ओ तुबदूहु, या तुम उसे जाहिर करते हो, या अलमुहुल्लाह, अल्लाह उसे जानता है, व या अलम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। मा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा, अल्लाह तो जानता है मगर कोई अगर पत्ता भी, अल्लाह फरमाते हैं गिरता है कहीं पर तो अल्लाह उसको जानता होता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह लतीफ़ुल ख़बीर ज़ात है, अल्लाह ताला सारे मख्फी राज़ों को जानता है। अल्लाह फरमाते हैं तुम अगर ये समझो कि तुम अल्लाह को धोखा दे सकोगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, अल्लाह तुम्हारे सीनों के राज जानता है। फरमाया यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिन मुक़द्दरा वमा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ أن بينها وبينه عمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا, یعنی اپنے نیک اعمال کو دیکھ لے گا قیامت کے دن, اور اپنی برائیوں کو بھی دیکھ لے گا, یعنی جو اس نے برے کام کیے ہوں گے वो भी देख लेगा, तो आरजू करेगा कि ऐ काश उसमें और उस बुराइयों में दूर की मसाफत हो जाती, यानी काश वो ये बुराइयां ना करता, और खुदा तुमको अपने गजब से डराता है और खुदा अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह अपने अजाब से तुम्हें डराता है, और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, खुद ही फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें डराता है, और खुद फरमा रहे हैं अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। उसकी वजह ये है कि ये इंतहा की अल्लाह की अपने बंदों से मोहब्बत है कि अल्लाह ताला इंसानों को उनके मरने से पहले खबरदार कर रहा है, उसके अजाब से पहले अल्लाह खबरदार कर रहा है, ये
एक शख्स की दूसरे शख्स के साथ भी एक इंतहा की एहसान मंदी ये होती है कि किसी मुसीबत से किसी को डराया जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे पहले के तुम अजाब में पड़ जाओ, हम तुम्हें दुनिया ही में खबरदार कर रहे हैं ताकि तुम इन चीजों से बच जाओ जिनकी वजह से तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।